गायत्री मंत्र का पहले वो उच्चारण कर लेते हैं। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमारे शरीर में असंख्य कैविटीज़ हैं, सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं। इन एक एक सेल्स टिश्यूज तक प्राण शक्ति पहुंचाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो। मन संबंधित जितने भी विकार हैं, विचार हैं, उनको रोकने के लिए, उनमें एक बद्धता लाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पद्मासन, सिद्धासन या किसी भी एक प्राणायाम करने के लिए सुखदायी आसन में बैठना है। प्राणायाम का अभ्यास हम कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। कोई साधक इतना फ्लेक्सिबल नहीं है या उस अवस्था में नहीं है जो सिद्धासन, पद्मासन या जमी पर किसी आसन में बैठ सके, वो सुखासन में बैठकर भी या कुर्सी पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकता है। भस्त्रिका का अभ्यास शुरू करेंगे। धीरे से एक लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। वेग के साथ श्वास लेना है, छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरें, छोड़ें। सर्वप्रथम पेट में, छाती में, कंधे छोड़ते वक्त कंधे, छाती और पेट से श्वास छोड़ना है। बीपी हाई वाले हार्ट पेशेंट धीरे धीरे इसका अभ्यास करें। वो ज़्यादा वेग के साथ न श्वास भरें न प्रश्वास करें, धीरे धीरे श्वास भरें। जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, योगी हैं, अपनी दिनचर्या में निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो अतिरिक्त वेग के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। भस्त्रिका के अभ्यास से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता चले जाता है, हमारा स्वास्थ्य निरंतर बढ़ता चले जाता है। स्वस्थ तो एक सामान्य व्यक्ति भी होता है, पर क्या वह सामान्य व्यक्ति एक आर्मी, एक फोर्स, मिलिट्री वाले शख्स का सामना कर सकता है? तो स्वास्थ्य का भी अपना एक स्तर होता है। तो इसी स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमारे शारीरिक, मानसिक व आत्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभदायक है। धीरे से एक लंबा गहरा श्वास भरें, छोड़ दें। महसूस करें क्या अभी भी मुझे श्वास लेने की आवश्यकता पड़ रही है। श्वास लेना और छोड़ना नायास हो, प्राकृतिक हो। न खुद श्वास लेना है, न छोड़ना है। श्वास लेने की इच्छा होगी तो शरीर श्वास लेगा, अन्यथा छोड़ देगा। आपको मात्र दृश्य भाव से, अपनी चेतन मन की दृष्टि से शरीर में आए हुए परिवर्तन, श्वास पर श्वास आए हुए परिवर्तनों को महसूस करना है। अगला अभ्यास आरंभ करेंगे कपालभाति। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, जिसमें हम वेग के साथ श्वास छोड़ते हैं। जैसे एक गुब्बारे में अगर हम हवा भरें तो हमें मात्र हवा भरने की आवश्यकता पड़ती है, उसे छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार हमें मात्र श्वास छोड़ना है,
श्वास छोड़ने पर ही अपना पूरा ध्यान देना है। श्वास लेना वो प्राकृतिक होगा, आपको मात्र श्वास छोड़ने का ही अभ्यास करना है। एक लंबा गहरा श्वास भरें, वेग के श्वास श्वास छोड़ते हुए पेट को धकेलते हुए एक चक्की की तरह चलाते हुए नीचे की तरफ अंदर की तरफ ले जाना है। बीपी हाई वाले हार्ट पेशेंट्स इसका अभ्यास धीरे धीरे कर सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द हो, CIT का हो, वह इसका अभ्यास बहुत धीमी गति से करें। श्वास का वेग बहुत धीमा हो, इस भाव के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे कि प्रत्येक जाती हुई श्वास के साथ मेरे जीवन से सारे राग द्वेष अहंकार विकार मन में चल रहे अनादि असंख्य विचार संस्कार बाहर जा रहे हैं और मैं पवित्र निर्मल सहज और शांत हो रहा हूँ। एक लंबा गहरा सांस लें, छोड़ दें। कपालभाति प्रख्यात है, कपालभाति प्रख्यात है कफ के रोगों के विनाश के लिए। शरद ऋतु वसंत ऋतु में जो कफ हमारे शरीर में संचित होता है उस संचय अवस्था को रोकने के लिए कपालभाति अभ्यास बहुत लाभकारी है। थायराइड दमा अस्थमा नजला जुखाम आदि असाध्य रोगों के लिए कपालभाति का अभ्यास बहुत लाभकारी है। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की अंगूठे के पास की दो उंगलियों को मोड़ते हुए अग्निसार मुद्रा बनाएंगे, यह अग्निधार मुद्रा कहलाती है। दाएं नासिका को बंद करते हुए धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास भरना है। सर्वप्रथम पेट छाती और कंधों में श्वास धीरे धीरे भरते हुए दाईं नासिका से श्वास छोड़ना है। श्वास छोड़ने की भी विधा वही हो, सर्वप्रथम छाती पेट और नाभि तक श्वास छोड़ें, फिर पुनः श्वास भरें। सर्वप्रथम पेट छाती कंधे तक महसूस कर रहे हैं श्वास भरता हुआ, धीरे से सर्वप्रथम कंधे से श्वास छोड़ता हुआ छाती और पेट से श्वास छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन में यह विचार करना है कि प्रत्येक जाती हुई श्वास के साथ मेरे जीवन से संपूर्ण शारीरिक रोग मानसिक विकार राग द्वेष आदि पंच क्लेश अहंकार और समस्त भौतिक विकारों से मैं रहित हो रहा हूँ। प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ परमपिता परमेश्वर का इस संपूर्ण शरीर के कण कण में बसी हुई ऊर्जा श्वास के साथ मेरे शरीर में समा रही है। प्रत्येक श्वास के साथ मैं ऊर्जावान्वित हो रहा हूँ। प्रत्येक श्वास मुझे शक्तिशाली समृद्धशाली ओजस्वी तेजस्वी निरोगी बना रही है। इस भाव के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास निरंतर करते रहें। अनुलोम विलोम से वात संबंधित घुटना कमर कंधा सर्वाइकल थोरैसिक रीजन में आने वाली जितने भी वात संबंधित रोग हैं, पित्त संबंधित विकार, पेट में अत्यधिक
पित्त बनना, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में ऊर्जा पैदा करना, कम ऊर्जा पैदा करना, पित्त विकार, कफ विकार शांत होते हैं। धीरे से दोनों हाथों को वापस लाते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान रहे प्रत्येक प्राणायाम में आपका मेरुदंड स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। प्रत्येक प्राणायाम में वापस आने के बाद श्वास पर श्वास ध्यान रहे। प्रत्येक आती हुई और जाती हुई श्वास के साथ सचेत रहें, महसूस करें श्वास का स्पर्श, श्वास का अनुभूति, श्वास की गति, श्वास के साथ विचारों में आए हुए परिवर्तन। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हुए बाकी की चार उंगलियां आंखों पर नासिका द्वार के आसपास गाल के आसपास रखेंगे। एक लंबा गहरा श्वास भरते हुए भोरे के समान आवाज करते हुए श्वास छोड़ेंगे। अंतिम बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से चेहरे के पास से उंगलियों को हटाते हुए, अंगूठा हटाते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी रहेगी। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास से हमारे विचार रुक जाते हैं, मन विचार रहित हो जाता है। योग का लक्ष्य है योगः चित्तस्य वृत्ति निरोधः। हमारा चित्त वृत्तियों से रहित हो जाता है और हम स्वतः ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। यही निरंतर अभ्यास समाधि में तब्दील हो जाता है। सातु दृढ़ काले निरंतर यार सत्कारों से भी तो दृढ़ भूमि। लगातार अभ्यास करने से हमें अपनी अनुभूति होती है। तस्य वाचका प्रभाव, उस प्रणव का आनंद, उस सच्चिदानंद स्वरूप का स्वरूप हमें दिखाई देता है। ध्यान की अवस्था में आ रहे विचारों को रोकने के लिए हम अपना ध्यान श्वास पर श्वास लगाते हैं। आती श्वास देखते हैं, जाती श्वास देखते हैं। हमारा संपूर्ण शरीर तीन स्तर पर बटा हुआ है। स्थूल शरीर जो आप इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, यह भौतिक शरीर देख रहे हैं। सूक्ष्म शरीर मन, वह प्राण जो हमारे शरीर को सदा जीवित चैतन्य बनाए रखता है। और करण, कारण शरीर, क्या है इसका कारण? वह परम आनंद, वह शून्य स्वरूप आत्मा, वह जीव जो सदा हमारे अंदर विराजित है, जो सदा चैतन्य रूप होकर उस परम आनंद में, उस शांति में, उसके स्वरूप में
अवस्थित रहता है। उस परमात्मा में कोई कमी नहीं है तो उसके बनाए हुए जगत में कैसे कमी हो सकती है। हम सदा उसके आनंद में, उसके स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं। एक लंबा गहरा सांस लेकर शांति पाठ के अभ्यास से हम अपने योग के अभ्यास को समाप्त करते हैं। जीवन में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। हमें कोई भी चीज़ प्रार्थना से सहज और सरलता से प्राप्त हो जाती है। आप सामान्य तौर पर देखते हैं, आपको अपने माता पिता से कोई चीज़ मांगनी हो या समाज में आप अपने बड़े से किसी से कोई ऐसी चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जिसके लिए आप खुद असमर्थ हैं, तो आप उससे प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जब सच्ची दिल से प्रार्थना की जाती है तो वह चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार योग के अभ्यास में हम प्रार्थना करते हुए अपने मन को विकारों से रहित करने का परमात्मा से आह्वान करते हैं। एक लंबा गहरा श्वास भरें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सहन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभार् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने माता पिता, गुरु और इष्ट देवता को प्रणाम करें। रपिर बाम दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए कोमलता से अपनी आंखों पर स्पर्श करें और धीरे धीरे आंखों खोलें। यह प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास आप निरंतर अपने जीवन में अपने शारीरिक, मानसिक व आत्मिक सुख के लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।